फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं हम, ठीक है। आज का टॉपिक है हिमनद के कार्य, द वर्क ऑफ ग्लेशियर, द वर्क ऑफ ग्लेशियर। उसके बाद सीधे मुझे यहां पे लेके आइए, बॉक्स दिखाइए भाई। जो शक्ति है यानी कोई स्थल रूप बनाने में जो शक्ति है वो क्या, ग्लेशियर है, हिमनद। हिमनद क्या क्या करता है, एक करता है अपघर्षण और दूसरा करता है उत्पाटन। ये आपके लिए नया शब्द है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पाटन मतलब प्लकिंग और अपघर्षण मतलब एब्रेशन, अपघर्षण मतलब एब्रेशन। अब पूछेगा क्वेश्चन, मैंने कहा प्री यहीं से कवर हो जाएगा आपका। पूछेगा कि हॉर्न किस प्रकार का स्थल रूप है, आपने बोलना हिमनद का अपरदनात्मक स्थल रूप है क्या, हॉर्न। कहाँ गया हॉर्न, अरे भाई चार कहाँ गायब हो गया, हाँ चार हॉर्न। तो हॉर्न किस प्रकार का स्थल रूप है, ऐसे मजाक मत किया करो भाई। हिमनद का अपरदनात्मक स्थल रूप है हॉर्न, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा शर्क कैसा स्थल रूप है, आपने बोलना ग्लेशियर का अपरदनात्मक स्थल रूप है शर्क। ऐसे ही पूछेगा नुनाटक कैसा स्थल रूप है, हिमनद का अपरदनात्मक है। तब तक बोलेगा एस्कर कैसा स्थल रूप है, आपने बोलना हिमनद का निक्षेप, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। निक्षेपात्मक मतलब डिपोजिशनल, अपरदनात्मक मतलब इरोजनल, ठीक है। आपने ये लिस्ट याद करनी है, इतने से काम हो जाना है। थोड़ा नीचे तक दिखाओ और क्या क्या है इसमें, एक एक उसमें दिख सकता है, एक उसमें, एक एक साथ दिखा दीजिए, एक साथ बस। अब रटने का तरीका क्या होता है, रटना बोल रहा हूं जो सबसे बुरा लगता है आप लोगों को। पहले चार याद कीजिए, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, लटकती घाटी को हैंगिंग वैली बोलते हैं। शर्क, हॉर्न, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी या हैंगिंग वैली, शर्क और हॉर्न, चार याद हो गए। फिर अगले चार याद करने, नुनाटक, भेड़ पीठ शैल, इसको रोश मुटाने भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोश मुटाने, हिमसोपान, पैटरनास्टर झील। फिर आठ याद हो गए, तो आपने एक से लेकर आठ तक सुनाना है। फिर बचे तीन, फियोर्ड तट, पीडमोंट झील, एरेट, ठीक है। फिर तीन याद हो गए, फिर आपने ग्यारह सुनाना है। अगर आप बिना देखे ग्यारह सुना पा रहे हो तो समझ लीजिए याद हो गया, और अगर आप बीच में अटक रहे हो तो आपके साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ है, आपका मस्तिष्क आपको धोखा दे रहा है कि याद हो गया। याद तब तक नहीं माना जाता जब तक आप इन दोनों को एक साथ नहीं बोलते। जब आप ये बोल दोगे कि हिमनद दो क्रियाएं करता है, अपघर्षण और उत्पाटन, हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप निम्नलिखित है, ग्यारह नाम आपने लेने हैं, और आपने बोलना निक्षेपात्मक या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है वो कितने, चार हैं। और जब आप धारा प्रवाह में केम पर रुकते हो तो समझना आपको याद हुआ है। अगर आपको ऐसा याद हो गया तो आपका वो क्वेश्चन एक नंबर का जो प्री में आने वाला है वो आपका सही होगा। और अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आपने ऊपर ऊपर किया है, तो आपको वो धोखा देगा और वो क्वेश्चन आपका गलत होगा, ये मान के चलो। तो यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, शर्क, हॉर्न, नुनाटक, भेड़ पीठ शैल, हिमसोपान, पटनास्टर झील, फ्योर्ड तट, पीडमोंट झील, एरेट, ये हो गए अपरदनात्मक स्थल रूप। निक्षेपात्मक स्थल रूपों में हिमोड, मुरेन बोलते हैं इसको, ड्रमलिन, एस्कर, केम। अगर इस स्पीड से आपने बिना देखे बोल दिया तो समझ लीजिए याद हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अभी याद हो गया, 20 दिन बाद, एक महीने बाद मैंने पूछा, एक महीने बाद भी आप उसी स्पीड से बता रहे हो तो समझना वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए जी, ये तो प्री निकाल दिया माना हमने, अब मेंस में क्या होगा, मेंस में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इतना नहीं लिखना पड़ता वहां पर, क्योंकि अब हम हिमरेखा को एक्सप्लेन करें, क्योंकि जगह होती है कम, 250 शब्दों में बड़ा क्वेश्चन आना है ये, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि चैप्टर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले समझा रहे हैं कि हिमरेखा किसे बोलते हैं। तो हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। यह वह रेखा होती जिसके ऊपर वर्ष भर हिमावरण रहता है तथा बर्फ पिघल नहीं पाती है। हिमरेखा की ऊंचाई भूपृष्ठ के समस्त भागों पर समान न होकर अलग अलग होती है। अब थोड़ा सा इधर करेंगे या दिक्कत है, ठीक। कोई अच्छा बच्चा है इसको मिटा के रख दिया करो, वही पहले ही। ये आपका जैसे पहाड़ है माना, ठीक है, इसमें एक रेखा ऐसी है जहां पर 12 महीने क्या रहती है, बर्फ रहती है, क्या रहती है। अब क्या सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, गर्मियां पड़ती, सर्दियां पड़ती हैं। जब सर्दियां पड़ी माना आजकल, अब हिमालय पर बर्फ, कोई भी पहाड़ है वहां पर बर्फ पड़ेगी,
और बर्फ यहां तक हो सकती है, कहां तक हो सकती है, फिर गर्मियां आएंगी, बर्फ पिघलकर यहां पहुंच जाएगी, लेकिन यहां से ऊपर वाली बर्फ नहीं पिघलेगी। तो इस रेखा को बोल रहे हम हिमरेखा। बारह महीने जहां पर क्या रहे, जिस रेखा तक बारह मास बर्फ रहे, उस रेखा को बोलते हैं हिमरेखा। बाकी मैंने कहा बर्फ तो नीचे तक आएगी, बर्फ तो अब कद्दू खाल में भी पड़ने वाली है, मसूरी में भी पड़ने वाली है, जनवरी में पड़ेगी, देखना दिसंबर में भी पड़ेगी, हम घूमने भी जाएंगे, है ना, कितने खुश होते हैं बच्चे। चलो, और घूमने में वही जाएगा जो एक दिन भी एब्सेंट नहीं होगा मॉर्निंग वॉक में। ठीक है, और लोग मसूरी से जाते हैं, हम लोग इधर से जाएंगे चंबा होते हैं, क्योंकि घुटनों तक की बर्फ यहीं मिलती है, वहां नहीं मिलती। अरे उससे साफ बर्फ यहां मिलती है, चंबा से आगे मिलेगी कद्दू खाल के आसपास। ठीक है, और उसके बाद हम दर्शन करेंगे ऊपर सुरगंडा देवी के। ठीक है, बस। लेकिन तब जब आप अच्छा पढ़ेंगे, प्रकृति के सानिध्य में भी तभी ले जाया जाएगा आपको जब आप अच्छा पढ़ेंगे, और रोज आएंगे 7:45 बजे। एक मिनट भी जो लेट होगा उसकी रोज एब्सेंट लगेगी, और क्या होगा, गाड़ी का खर्चा वही वहन करेगा फिर। चलो, हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। यह वह रेखा होती है जिसके ऊपर वर्ष भर हिमावरण रहता है तथा बर्फ पिघल नहीं पाती है। हिम रेखा की ऊंचाई भूपृष्ठ के समस्त भागों पर समान ना होकर अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा एवं एंडीज पर यह 5,500 मीटर है, हिमालय पर यह 4,300 से 4,500 मीटर है, पेरेनीज पर 2,000 मीटर है, अल्प्स पर 3,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है। भाई आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे ना, हायर लैटिट्यूड पर, वहां पे हिमरेखा क्या होगी, 2,000 मीटर पर ही मिल जाएगी। अल्प्स है 3,000, स्विट्जरलैंड में 3,000 मीटर पर हिमरेखा मिल जाएगी। हिमालय क्या है, नीचे है, लोअर लैटिट्यूड पर है ना, मतलब 0 डिग्री से लैटिट्यूड की डायरेक्शन दूरी जितनी ज्यादा होगी क्या होगा, जितनी ज्यादा होगी हिमरेखा उतने नीचे मिल जाएगी हमें, थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा हिमरेखा मिल गई। लेकिन हिमालय में एक चीज देखी जाती है, क्या आ जाइए जी, ये शायद पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, हिमालय का जो आकार है वो इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से है, ये बता रखा मैंने पहले शायद, इधर की ओर पिचका हुआ है। क्यों पिचका हुआ, क्योंकि जो भूखंड टकराया है, बल्कि ये भी ज्यादा मोटा बना दिया मैंने, और पतला बनाइए। अब लैटिट्यूडनल पोजीशन अगर मैं बोलूं तो ये लोअर लैटिट्यूड पर है, क्या है, और ये हायर लैटिट्यूड पर है। भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 0 से डिग्री बढ़ेगी ना, माना ये 0 डिग्री है, बहुत नीचे है वैसे 0 डिग्री, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 0 से ये नजदीक है ये। अब क्या है, यहां पर एक पहाड़ है और यहां पे भी एक पहाड़ है, ठीक है, इसकी हिमरेखा यहां पर मिल रही है, कहां पर मिल रही है, और इसकी हिमरेखा यहां पर मिल रही है, जबकि होना उल्टा चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ये हायर लेटिट्यूड पर इसकी हिमरेखा तो यहां पर होनी चाहिए कायदे से यहां पर, लेकिन इसकी थोड़ा चढ़ के हिमरेखा मिल रही, इसकी काफी ऊपर चढ़ के हिमरेखा मिल रही, ऐसा क्यों, तो बताया जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है यहाँ वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, मेघालय उधर उस तरफ जो भी है, जो बादल है वो ज्यादा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो यहाँ पर हिमपात ज्यादा होता है, इसलिए हिमरेखा क्या होती है, यहाँ पर नीचे मिलती है, यहाँ पर क्या है, ऊपर मिलती है। तो समझ में आ गया, ये IAS का क्वेश्चन है। चलो जी, अब फिर वापस आ जाओ। इस हिमरेखा के ऊपर स्थित भाग जो कि सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं, हिम क्षेत्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, हिम क्षेत्र कहे जाते हैं। ऋतुगत परिवर्तन के साथ हिम क्षेत्रों के विस्तार में भी परिवर्तन होता रहता है। भूपृष्ठ पर कुछ ऐसे भी भाग हैं जहां पर सदैव बर्फ जमी रहती है, ऐसे भागों को स्थायी हिम क्षेत्र कहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड हमेशा बर्फ है, और हजारों साल पुरानी बर्फ है, और ऐसी बर्फ को क्या बोलते हैं, ब्लू आइस। क्या बोलते हैं, फिर UPSC का क्वेश्चन है कि ब्लू आइस का प्रयोग होता है किस उद्योग में, हाँ उद्योग में होता है, विस्की उद्योग में होता है, किस उद्योग में होता है, कम से कम 5,000 साल पुरानी ब्लू आइस, 5,000 साल पुरानी, जिसमें एक बैक्टीरिया एक वायरस कुछ नहीं है,
ऐसे बर्फ के पानी का प्रयोग करते हैं विस्की उद्योग में, और ऐसी विस्की सबसे महंगी विस्की होती है। विस्की समझते हैं, विस्की समझते हैं? अरे वाइन तो अंगूर से बनती है भाई, विस्की मतलब शराब आपकी आम भाषा में समझा देता हूँ। तो विस्की में क्या होता है, जितना अगर ब्लू आइस से बनी है तो आपने सुना होगा कभी कि जी 10 लाख की है एक बोतल, 5 लाख की है एक बोतल, सुना है ऐसा कभी? सुना है? 1 बोतल 1 लीटर की कितने की है कि 5 लाख की है, इतने डॉलर की है। बड़े बड़े जो धनाढ़ लोग हैं वो उसका सेवन करते हैं, समझ में आ रहा है? तो किस उद्योग में होता है? विस्की उद्योग। ठीक, आगे। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका भूपृष्ठ के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थायी हिमक्षेत्र। अंटार्कटिका में भी आपको बहुत पुरानी बर्फ मिलेगी। ठीक है, चलो जी आगे। ये याद कर लिया आपने। अब हिमनद किसे बोलते हैं? स्थायी हिम क्षेत्र से बर्फ की मोटी चादर का भार ढाल के प्रभाव एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से ढाल की ओर खिसकने लगता है। भाई जो ग्लेशियर होगा वो खिसक रहा है, क्यों खिसक रहा है? क्योंकि ढाल पर खिसकेगा वो, किसका पालन करेगा? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से। क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन सभी करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से ढाल की ओर खिसकने लगता है। बहुत धीरे धीरे खिसकता है, लेकिन मैंने कहा आपको कि अपने साथ कंकड़ पत्थर और पतनी क्या क्या उत्पाटन पड़ा था ना आपने, उखाड़ कर ले जाएगा अपने साथ, आगे इकट्ठे कर देगा बड़े बड़े पत्थर जिन्हें बोलते हैं, अरबों टन बर्फ होगी उस ग्लेशियर में। ठीक है, साथ में पिघलता भी रहेगा, पानी भी निकलता रहेगा, आगे खिसकता रहेगा, और उसके नीचे जो चीज होगी उसको पीसते हुए चलेगा। अरबों टन बर्फ है, उसके नीचे अगर पत्थर आएंगे तो पिसेंगे ना, तो चूरा बनाते हुए चलेगा उसको। इसी खिसकते हुए हिमखंड को हिमानी या हिमनदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। हिमानी बहुत धीमी गति से खिसकती है, सामान्यतः इसकी गति प्रतिदिन 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। जहां पर ग्लेशियर वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर जल्दी से कोई सोता नहीं है, रात को पता चला वहीं पिस गया, क्योंकि ग्लेशियर क्या होता है, खिसकता है। पता चला आपने देखा एक खड्डा देखा, उसमें आपने कहा हाँ यहाँ ठीक है यहाँ रहता हूँ, और पता चला रात को सोते सोते ही क्या हो गए, वहीं पर क्या बन गई, कब्र बन गई। बिल्कुल जैसे महापाषाणिक कब्रें होती है ना, सुनिए आपने महापाषाणिक कब्रें, वैसे ही पता चला ग्लेशियर वाली कब्र बन गई, दब गए वहीं। देखिए स्टोन हेंच, देखिए एक चमत्कार, एक आश्चर्य है वो स्टोन हेंच। स्टोन हेंच जब शब्द आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। उस जमाने के लोगों ने जैसे कोई मर गया तो उसके ऊपर इतने बड़े पत्थर रखे हुए, चलो दो पत्थर तो खड़े कर दिए कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर भी खड़ा कर रखा है। वो परंपराएं आज भी हैं, उत्तराखंड में जाइए मंदिरों में, वहां पे आपको देखेंगे पितृकूड़े बोलते हैं उनको, एक पत्थर के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पितृकूड़े बनाते हैं। ये पहले से परंपरा है कि अपने पितरों के नाम पर क्या करता रहा है मनुष्य, पत्थर रखता रहा है। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने स्टोन हेंच बनाए, दिखाओगे इसमें कैसा है स्टोन हेंच? बीच में आ गया तो बता देते थोड़ा, क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। स्टोन हेंच भेजिए भाई। इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बीच में शब्द आ गया तो मैंने कहा आपको संसार के एक आश्चर्य में से एक चीज और दिखा देता हूं। ये है महापाषाणिक कब्र, ये इसको खोलो, इसके सामने मनुष्य कितना छोटा है जानते हो? कोई ऐसा दिखाओ जिसमें मनुष्य खड़ा हो। ये देखो आदमी लोग इतने छोटे दिख रहे हैं, स्टोन हेंज इतने बड़े बड़े, यानी अपने पूर्वजों के नाम पर इतने बड़े पत्थर खड़े करना है ना। चलो राजाओं की बात अलग है कि इजिप्ट के राजाओं ने अपने लिए पिरामिड बनाया, गीजा का पिरामिड सबसे बड़ा है ना, और पता नहीं कितने टन के पत्थर हैं वो और कितना ऊंचा पहाड़ है वो पिरामिड भी जो है, वो अलग चीज है, वो राजा थे उनके पास पैसा, पर इनके पास तो संसाधन थोड़े थे जिन्होंने ये बनाए होंगे। ये तो महापाषाणिक कब्रें हैं और ऐसे गोल में बना रखे हैं। यही समझ में नहीं आया लोगों के कि ये रखे कैसे ऊपर से पत्थर इतने बड़े। क्रेन नहीं हुआ करती थी, और क्या नहीं हुआ करता था,
क्या होती, क्रेन होती है, और क्या होते हैं जेसीबी, पोकलेन वगैरह कुछ नहीं था पहले, तो काटा होगा इन पत्थरों को, फिर ऐसे रखा। तो देख लो, इन्हें बोलते हैं पूर्वजों का सम्मान। चलो आगे बढ़ो भाई। तो ठीक है, ग्लेशियर समझ में आ गया आपके। हिमनदी कहते हैं, हिमानी बहुत धीमी गति से खिसकती है, बता दिया मैंने। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में इनकी गति तेज हो जाती है, भाई पिघलेगी तो तेज होगी। तथा मध्य में इसकी गति किनारों की अपेक्षा अधिक होती है, बीच में ग्लेशियर की गति सबसे अधिक होती है, किनारों पर कम, किनारे से धीरे धीरे चलेगा, लेकिन बीच वाला जो होगा पार्ट वो क्या होगा, तेज चलेगा, और सबसे बारीक जो पीसेगा वो बीच वाला पीसेगा, नीचे जो भी आएगा अरबों टन बर्फ क्या कर देगी, उसको पीस देगी। यानी अगर इस ऋषिकेश से कोई बड़ा ग्लेशियर गुजरता है, माना वैसे तो गुजरेगा नहीं, पर माना आइस एज आ जाए, वो एक कार्टून देखी होगी आपने आइस एज वाली, है ना, और कुछ बड़ा ग्लेशियर यहाँ से खिसकते हुए नीचे आ जाए, जितनी बिल्डिंगें हैं इवन आपका इंस्टीट्यूट, इसका चूरा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? चूरा चूरा मिलेगा। कम से कम 3-2 किलोमीटर तक का ऊपर का मोटा ग्लेशियर अगर यहाँ से गुजर जाए तो अरबों टन बर्फ क्या कर देगी, इसको पीसते हुए चलेगी। ठीक है। अच्छा जी, अलमैन अहमैन अलमैन महोदय ने हिमनदी को निम्नलिखित तीन प्रकार का बताया, घाटी हिमानी यानी वैली ग्लेशियर, पर्वतपादीय हिमानी यानी पीडमोंट ग्लेशियर, पर्वतपाद यानी पर्वत के पैर, पर्वतपादीय यानी पीडमोंट ग्लेशियर, और महाद्वीपीय हिमानी यानी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब क्या क्या बनता है इनसे, अब हम आगे किसमें, सबसे पहले यू आकार की घाटी, वी शेप वैली नदी बनाती है, वहां से जब ग्लेशियर गुजरेगा तो उसको क्या बना देगा, यू शेप का बना देगा। क्या बना देगा? देखने से नंबर नहीं मिलेगा, लिखने से नंबर मिलेगा। फिर बता रहा हूं, शब्दों को पकड़िए, एक बार दिखा भी दीजिए यू आकार की घाटी कैसी होती है। देखने से सिर्फ समझ विकसित होगी आपकी, ये यू शेप वैली है, ये दिख रही है, ये पहले वी शेप रही होगी, नदी ने वी शेप बनाया, उसके बाद ग्लेशियर गुजरा, अब ग्लेशियर वहां से यहां आया, यहां से चलो यहां से वहां गया, और उसने इसको क्या कर दिया, यू शेप बना दिया। ये परफेक्ट यू नहीं दिख रहा है, लैंडस्लाइड होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा मलबा आ गया, इसलिए परफेक्ट यू शेप नहीं दिख रहा, बट यू शेप दिखेगा ये। और ये जितने भी छोटे छोटे पत्थर टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये उस ग्लेशियर ने तोड़े हैं, जो भी पत्थर आया उसको चकनाचूर करते हुए चला है। दूसरा दिखाओ, ये यू शेप वैली है पूरी, ये दिख रही है, आज इसमें पानी पानी दिख रहा है आपको, लेकिन कभी यहाँ से एक बहुत बड़ा ग्लेशियर क्या हुआ है, गुजरा है। फिर दोबारा गाना सुनना आपने, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, जितेंद्र उसमें क्या है गा रहे, मतलब गाने वाले तो और हैं, मुकेश है, बट फिल्मांकन किस पे किया गया, जितेंद्र। ये यू शेप वैली है, और ये लगभग लगभग पैटरनास्टर लेक बनाते हुए चल रही है, एक लेक यहाँ मिलेगी, एक थोड़ा नीचे मिलेगी, एक इसके नीचे मिलेगी, एक उसके नीचे मिलेगी, तो पैटरनास्टर लेक्स बोला जाता है, बड़ा साफ पानी होता है इनमें। ठीक है, तो ये भी यू शेप वैली एक तरह से, और बस काफ़ी है इतना, काफ़ी है, आ जाओ फिर दोबारा उस पर, फिर लिखने पे नंबर मिलेंगे। तो अब लिखना क्या है यू शेप वैली में, तो आपने लिखना है कि भाई हिमानी द्वारा घाटियों की रचना नहीं होती, अपितु पुरानी घाटियों का रूप परिवर्तन अवश्य होता है, ज्यों ज्यों हिमानी घाटी में आगे बढ़ती जाती है त्यों त्यों शैलें घिसती जाती हैं, और शैल बाहुओं के अग्रभागों एवं तीव्र धारे घिस घिस कर चिकनी और सीधी हो जाती हैं। वी आकार की घाटियां जो जलधारा की प्रक्रिया से बनी थी यू आकार में बदल जाती है, यानी कभी वहां से नदी ने वी आकार की घाटी बनाई, वहां से ग्लेशियर गुजरा, उसने उसको क्या कर दिया, यू आकार में बदल दिया। बता रहा कैसे, तो घिसते हुए चला वो, उत्पाटन प्लकिंग एब्रेशन घिसते हुए चला, इन्हें यू आकार की घाटी कहते हैं। ज्ञातव्य है कि यदि शैल असमान अवरोध वाली है तो घाटी के किनारे सोपानाकार हो जाते हैं। सोपानाकार मतलब सीढ़ी नुमा कब होंगे, थोड़ा नीचे आइए, यदि शैलें असमान अवरोध वाली हैं, कहीं पर हार्ड रॉक है, कहीं पर सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, तब बनेगी सोपानाकार। सोपान मतलब सीढ़ी, तब कैसे बनेगी, सीढ़ी जैसे, मतलब सीढ़ी ऐसे, तब परफेक्ट यू शेप वैली नहीं बनेगी। चलो जी आगे दिखाओ, जरा फोटो फोटो दिखाओ, बस ऐसे ही बनाना आपने, ज्यादा डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस यूं बनाना है ना, एक धारा दिखा देना, बता देना यहाँ से ग्लेशियर गुजरा था, उसने क्या कर दिया, वी शेप वैली को यू शेप वैली में, ये थोड़ा सा ऐसे कर देना ताकि 3 डायमेंशनल लुक आ जाए उसमें, इतना कर सकते हैं, इतना टाइम मिल जाता है। आगे
लटकती हुई घाटी, हैंगिंग वैली। जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई सी प्रतीत होती हैं। इसी कारण उन्हें लटकती घाटियां, निलंबित घाटियां या बहिर्लंबी घाटियां कहते हैं। हिम के पिघल जाने पर जब इन लटकती घाटियों का जल निचली घाटी में गिरता है तो प्रपात का निर्माण होता है। इस कारण लटकती घाटियों को प्रपाती घाटियां भी कहा जाता है। लटकती घाटी क्या है? एक तो हो गया सीधे जमीन पर चला गया ग्लेशियर। कई बार क्या होता है कि पहाड़ के ऊपर उसने यू शेप वैली टाइप बनाई और उसके बाद बहुत गहरी खाई में जाके ग्लेशियर क्या हो गया, तो वो ऐसे दिखेगी आपको लटकती हुई घाटियां। हिमालय को कभी गौर से देखना, उसमें कई लटकती घाटियां दिख जाएंगी आपको। और फिर वहां से क्या निकलते हैं, अब ग्लेशियर तो खत्म हो गया लेकिन पानी आता रहेगा और जलप्रपात क्या होंगे, बनेंगे वहां से। तो इसलिए प्रपाती घाटियां भी बोलते हैं। किनको? किनको? लटकती घाटियां, हैंगिंग वैली। और ये किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? ये अपरदनात्मक स्थल रूप है किसके? ग्लेशियर के। अगला शर्क, अगला क्या है? शर्क को शर्की बोला जाता है, CIRQUE। शर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या आराम कुर्सी की तरह आकृति वाले विशाल क्या गर्त होता है जिसका किनारा खड़े ढाल वाला या अवतल होता है। शर्क प्रायः हिम से भरे रहते हैं, कारण स्वरूप इन्हें हिम गहवर, हिम सागर, हिम गर्त भी कहा जाता है। IAS 1993 में जब आपका अस्तित्व नहीं था इस धरती पर तब पूछा जा चुका। तो पुराने IAS को छोटा मोटा मत समझना। 93 में भी लोगों ने क्या किया, पेपर सॉल्व किया, ये क्वेश्चन आया है, दोबारा आएगा। ऊपर बढ़ो जी, शर्क दिखाओ, ये दिखा रखा होगा इसमें आराम कुर्सी। आपको ऐसे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, इतना डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हल्का सा जल्दी जल्दी खींचना और ये क्या करना, आपने ये शर्क बना देना आप, ठीक है? अगला एरेट, किसी पर्वत के दोनों ओर शर्क के विकसित हो जाने से मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है, जिसे एरेट या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। ऐसे सा होगा, यूं कहीं पे चित्र दिखा रखा होगा, दिखाओ बेजरक का दिखाओ, क्रम से भेजना था ना, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखो भाई यही है एरेट, तीक्ष्ण कटक दिख रहा है। नंदा राज जात करना इस बार, 12 साल बाद होती है उत्तराखंड में, कुंभ बोलते हैं, हिमालय का कुंभ है। नंदा राज जात में जाना, आपको एक जगह पर ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे इसके ऊपर से, तब आपको पता चलेगा एरेट क्या होता है, पढ़ने में और उसके ऊपर चलने में कितना अंतर है, ठीक है? आनंद आएगा, दोनों तरफ आपको ऐसे मिलेगा बिल्कुल। तो इधर भी भाई ये हो गया, इधर भी हो गया, तो तीक्ष्ण कटक बन गया क्या, अरेट। समझ में आ गया? चलो जी आगे, पर ऐसा चित्र नहीं बनाना है, जो उसने बना रखा है वैसा चित्र दिखाना है आपको। ये देखो तीक्ष्ण कटक पर चल रहा है, उसे बर्फ पड़ रखी है लेकिन चल कैसे रहा, ऊपर ऊपर। प्रभु आ जाओ वापस, ठीक है? प्रकृति के सानिध्य में जाइए, वहां सब मिल जाएगा आपको। ये क्या है, हॉर्न, ये देखो ये चित्र दिख रहा है, ये शर्क नीचे करो, परेशान बहुत करते हैं भाई मुझे। हॉर्न, जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई शर्क। आगे अच्छा, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, दो दो नंबर में शर्क पूछेगा खाली, आपने लिखना उसमें 20 साल। नीचे करो और नीचे कीजिए। हाँ, कई शर्क बन जाते हैं,
तथा जब निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते जाते हैं तो उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। इस तरह की नुकीली चोटी को हॉर्न या ग्रीसरिंग, ये दिख रहा है ग्रीसरिंग, ग्रीसरिंग कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में अल्प पर्वत पर स्थित मैटर हॉर्न, क्या मैटर हॉर्न 4478 मीटर पर आप देखेंगे तो मैटर हॉर्न दिखेगा। ऊपर कीजिए, चित्र दिखाइए भाई, ऐसे ही बनाना है। ये लाइन वाइन खींचने की जरूरत, टाइम मिलेगा तो खींच लेना, वैसे अगर इतना ही बना दोगे तो काम चल जाएगा। दोनों तरफ सर्क लिखना, दोनों तरफ क्या चारों तरफ लिखना है आपने, और बीच में ये पिरामिड के शेप का क्या हॉर्न, ग्रीस रिंग, क्या बोलेंगे इसको, ग्रीस रिंग। आगे आगे बढ़िए, नुनाटक, हिमाच्छादन के बीच ऊंचे ऊंचे उठे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं, नुनाटक कहे जाते हैं। नुनाटक हिम क्षेत्र की विशाल हिमराशि के बीच बिखरे हुए द्वीप के समान लगते हैं, इसी कारण से नुनाटक को हिमांतर द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमांतर द्वीप, ठीक है। तो अगर इसका चित्र कहीं दिख जाए तो भेज देना ग्रुप में, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। अगला रॉस मुटाने, रॉस मुटाने का मतलब हो गया भेड़ पीठ शैल, कुछ नहीं होता है, एक चट्टान आ गई ग्लेशियर के क्या बीच में, तो क्या हुआ कि ग्लेशियर उसके ऊपर चढ़ा तो वहां तो चिकना कर दिया उसने, जब उतरा तो उबड़ खाबड़ कर दिया उसने, क्या कर दिया। अब दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे भेड़ बैठी हुई, तो इसलिए बोलते हैं भेड़ पीठ शैल, या उसको बोलते हैं रॉस मुटाने, क्या बोलते हैं। तो हिमानीकृत क्षेत्रों में हिमवर्धित शिलाएं दूर से देखने में ऐसी दिखती है मानो मुलायम ऊन वाली भेड़ बैठी है, इसे रॉस मुटाने या भेड़ पीठ शैल कहते हैं। इसे दिखाओ, ऊपर करो, देखो ग्लेशियर यहां से गया तो चिकना कर दिया, और जब उतरा तो ये उबड़ खाबड़ कर दिया। तो दूर से देखने पे कैसे लग रही है, भेड़ बैठी हो मानो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रॉस मुटाने। इसका एक चित्र भी बना रखा है, वो भेज रखा है, असली चित्र रॉस मुटाने दिखाओ, रॉस मुटाने। ये देखो ना, ग्लेशियर जब यहां से गया इसको चिकना बना दिया, जब उतरा तो उबड़ खाबड़ हो गया। तो दूर से देखेंगे तो कैसे दिखेगी, भेड़ पीठ शैल, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं भेड़ पीठ शैल। और एक और बताया था मैंने इससे पहले, कौन सा, नुनाटक, नुनाटक दिखा रखा है, भेजा आपने लास्ट में। ये देखो ये नुनाटक, ये पूरा बर्फ है लेकिन इसके बीच में टीले दिख रहे हैं, ये टीले दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं नुनाटक, क्या बोलते हैं। चलो जी आगे, यानी मोबाइल का प्रयोग आप सीख चुके हैं, आपको भरोसा हो गया कि आपके पास दिव्यास्त्र हैं, हमारे पास नहीं थे, हमने बिना दिव्यास्त्रों के युद्ध लड़ा, क्या लड़ा, आपके पास दिव्यास्त्र हैं। चलो जी आगे, हिमसोपान या पैटरनास्टर झील, घाटी हिमनद के अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क के बाद सर्वाधिक चित्ताकर्षक, यानी आपके चित्त को जो आकर्षक करेगा, जो आपको बहुत, जिसको देखते ही आप बोलोगे इंचेंटिंग, हाउ इंचेंटिंग, तो वो क्या है, हिमसोपान या पैटरनास्टर झील। इसके किनारे, इन झीलों के किनारे जब आप जाओगे, खासकर हिमालय में अगर पैटरनास्टर लेक्स होंगी तो आपको देवत्व प्राप्त होगा। देवत्व मतलब समझते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया हूं कि बस अब यहां से क्या कहीं नहीं हिल रहा है। लेकिन फिर पहाड़ एक दो दिन के लिए तो अच्छा है, बट बसने की अगर सोचोगे तो फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं, ठंडा और बहुत सारी चीजें। घाटी हिमनद के अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क के बाद सर्वाधिक चित्ताकर्षक किंतु आश्चर्यचकित करने वाला स्थल रूप क्या है, हिमसोपान, यानी ग्लेशियर स्टेयरवे होता है। हिमसोपानों में क्लिफ के पास सिरे गहरे होते हैं, हिम के पिघल जाने पर इन गर्तों में जल एकत्र हो जाता है तथा छोटी छोटी, आगे छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, इन झीलों को पैटरनास्टर झील कहते हैं। सोपानों के साथ ये झीलें भी सीढ़ी नुमा होती हैं तथा देखने में ऐसा लगता है कि ये झीलें किसी माला में पिरोई गई हैं। अब आप कभी क्या करना, युवावस्था में ही स्वर्गारोहिणी जाना, कहाँ जाना, स्वर्गारोहिणी एक जगह है, बद्रीनाथ से आगे आप जाएंगे, उसके लिए आपको पोर्टर कराना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा होता है, अगर खुद उठा के ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाइड कराने जरूरी हैं, स्थानीय लोगों को ले जाना जरूरी होता है। कहा जाता है कि लोमश ऋषि के साथ, क्योंकि जो पांडव थे वो क्या थे, उन पर पितृहंता भातृहंता कई प्रकार के पैट्रीसाइड फ्रेट्रीसाइड कई प्रकार की हत्याओं का क्या था, आरोप था। अब ठीक है, उन्होंने भोग लिया हस्तिनापुर, क्या
भोग लिया उन्होंने। अब उसके बाद बुढ़ापा आया तो अब क्या करना था, जाना था। तो लोमश ऋषि के साथ स्वर्गारोहिणी के लिए गए, साथ में एक भोटिया कुत्ता भी गया कि अभी भी जाता है अगर आप वहां जाओगे, क्या नाम है, क्या स्वर्गारोहिणी, तो आपके साथ कुछ भोटिया कुत्ते अपने आप ही चलते, मतलब कुछ नहीं करना, आपने उन्हें थोड़ा बहुत खिलाना है बीच बीच में, साथ साथ चलेंगे, पूरा वहां तक साथ देंगे आपका। जब आप वहां जाएंगे तो आपको कई प्रकार के कुंड दिखेंगे, क्या दिखेंगे, उनमें से एक कुंड जो होगा, एक जिसे बोल सकते हैं झील, वो होगी कौन सी, तिकोनाकार झील होगी जहां से अलकनंदा निकल रही होगी और जिसको क्या बोलते हैं, सतोपंथ। सतोपंथ में आप क्या करोगे, क्योंकि आदत है हमारी, हम कूड़ा तो करते ही हैं, माना आपने फ्रूटी पीने के बाद स्ट्रॉ फेंक दिया, एक चिड़िया आएगी उस स्ट्रॉ को पकड़ेगी और ले जाएगी, साफ कर देगी उसको। अब इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है देवत्व जैसे गुण होते हैं, बट वो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए ले गई है, वो कुत्ता उनको वो परिचित हैं कि हमें यात्रियों को क्या करना है, साथ जाना है, उनको भी घूमना बहुत पसंद होता है, भुटिया कुत्ते जो होते हैं, ठीक है। फिर और आगे जाएंगे आप सतोपन, तो ये सोपानाकार जो मैं बता रहा हूँ ये दिखेगा आपको, उसको फिर बोला लोगों ने क्या कि स्वर्ग में जाने की सीढ़ियाँ हैं, क्या हैं, स्वर्ग में जाने की सीढ़ियाँ हैं। तो इतना चित्ताकर्षक है कि आप लोग एफर्ट नहीं कर पाते हो वहां तक जाना, लेकिन विदेशों में जो लोग रहते हैं जिन्होंने सब भोग लिया है, जिनके पास अत्यधिक धन है, अब जीवन में क्या करना है, तो वो कहते हैं हम स्वर्गारोहिणी जाते हैं, तो कई लोग जाते हैं यहाँ से स्वर्गारोहिणी, ठीक है। तो लिमिटेड बजट में भी जाया जा सकता है, कोशिश करेंगे क्या करने की, स्वर्गारोहिणी ट्रैक करने की, ठीक है। अगला है पीडमोंट झील, अगला क्या है, पीडमोंट झील। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है, जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को क्या कहा जाता है, आंसर फियोर्ड कहा जाता है। नॉर्वे बताया था मैंने, फियोर्ड तटों का देश नॉर्वे, ओस्लो कैपिटल होती है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी बोलते हैं उसको। फियोर्ड तथा सागर के मध्य एक उथला भाग होता है जिसे फियोर्ड का चौखटा कहते हैं, यदि किसी कारण से सागर तल इतना नीचा हो जाए कि फियोर्ड का चौखटा सागर तल से ऊपर आ जाए, तो फियोर्ड एकमात्र जलपूर्ण बेसिन के रूप में ही रह जाएगी, जिसे फियोर्ड झील या पीडमोंट झील कहा जा सकता है। ध्यातव्य है कि फियोर्ड दोनों गोलार्धों में मिलते हैं, परंतु न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे इत्यादि में अधिकता में मिलते हैं, क्या मिलते हैं। अगला है हिमोड, बहुत इंपॉर्टेंट, मोरेन। जब हिमनदियां पर्वतों से खिसक कर हिमरेखा से नीचे उतरती हैं तो तापमान बढ़ जाने से वे पिघलती हैं और अपने साथ बहाए हुए अवसादों का निक्षेप कर देती हैं। यह निक्षेप विभिन्न आकार और रूप के होते हैं, इनको हिमोड़ कहा जाता है। आप हिमालय में जाते हो ना, मैंने कहा नहीं, आप जब नंदा राज जात कर रहे होंगे शिला समुद्र मिलेगा आपको एक जगह पर, नाम ही होगा शिला, पत्थर ही पत्थर, क्या आपकी समझ में नहीं आता है इतने पत्थर कहाँ से आए। तो फिर देवत्व का बोध होता है कि सब भगवान का ही है, सब सृष्टि ईश्वर ने ही बनाई है, वही चला रहा है, बट थोड़ा ज्योग्राफी भी डालनी पड़ेगी आपको, ज्योग्राफी भी उसी की देन है, तो ज्योग्राफी डालनी, तो आपने बोलना यहाँ से ग्लेशियर गुजरा था भाई, क्या है, हिमोड है ये, क्या है, मोरेन, ठीक है। हिमनदी नदियों की भांति अपने अवसाद पर अवसाद की छटनी नहीं कर सकती, अतः हिमनदियां द्वारा निक्षेपित हिमोड़ में मिट्टी एवं बालू जैसे बारीक पदार्थ से लेकर कंकड़, पत्थर, रोड़े, बड़े शिलाखंड तक सम्मिलित रहते हैं। हिमोड़ का निक्षेप घाटी के विभिन्न स्थानों पर होता है। एक चित्र दिखाया था आपने ग्लेशियर का, दिखाओ, तो ये है देखो, जब ग्लेशियर चलेगा ना तो यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर, ये दिख रहा है, ये सब किनारे पे भी इकट्ठे करेगा, बल्कि बांध जैसा बना देगा ये। और कई बार तो क्या होता है, जब ग्लेशियर पिघल जाता तो यहीं पर ऐसी लेक बन जाती हैं, क्या बनती हैं, झीलें बन जाती हैं, और इन्हीं पर केसर उगता है। इन पर मैंने पूछा भी था आपसे, केसर किस पर उगता है, किस धरती पर उगता है, क्या था आंसर उसका, उस पर्टिकुलर बनावट को क्या बोलते हैं, केसर सामान्य जमीन पर नहीं उगता, जहां से कभी ग्लेशियर गुजरा होगा वहां पर उगता है हमेशा। जिस स्थलाकृति पर केसर उगता है उसको क्या कहा जाता है, यह पार्श्विक हिमोड़ है, ये दिख रहा है, यह मध्यस्थ हिमोड़ है, यहां पे बारीक कण मिलेंगे, यहां मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे आपको, इधर
साइड में भी मिलेंगे, ये तलस्त हिमोड है, बताइए जरा कश्मीर में क्या कहा जाता उस उसको? हाँ नहीं नहीं भाई, जगह का नाम थोड़े पूछ रहा हूं मैं उस स्थलाकृति को पूछ रहा हूं, उसको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ो। एस्कर, हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघल जाने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलवा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक रिज होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। अब ये एस्कर हैं भाई, ये क्या हैं? ढेर हैं ये लंबे लंबे, और अगर कभी रेलवे ले जाना होगा ना तो इन्हें एस्कर के ऊपर से, या रोड ले जानी होगी तो इन्हें एस्कर के ऊपर से ले जाई जाती है, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। आगे, अनेक स्थानों पर एस्कर यातायात की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। स्वीडन तथा फिनलैंड में एस्कर के ऊपर से ही बनती है रोड, चूंकि एस्कर का विस्तार आगे घाटी दलदल झील तथा ऊंची नीची भूमि में एक कटक रिज के रूप में होता है, अतः इनके सारे सड़कों तथा रेलों का निर्माण किया जाता है। वास्तव में इनकी स्थिति से मार्ग में बांध या पुल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। एस्कर के ऊपर क्यों ढेर हैं, जैसे बांध नहीं होते, बंदे से होते हैं, जैसे नदी के किनारे तटबंध नहीं होते, वैसे ही होते हैं ये भी। इनके ऊपर से क्या होती है, सड़कें या रेलगाड़ी, रेल बिछाई जाती है, पटरी बिछाई जाती है। ऐसी केम है, हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलवा का निक्षेप ढेर के रूप में या टीले के रूप में हो जाता है। इस तरह के टीलों को केम कहा जाता है। केम के किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। केम की रचना रेत तथा बजरी द्वारा होती है, ग्रबल द्वारा होती है। केम की रचना रेत तथा बजरी ग्रबल द्वारा होती है। उसके बाद ड्रमलिन या मुख्य रूप से भूमि हिमोड़ द्वारा निर्मित विशिष्ट प्रकार की सीधी गोल टीलों वाली पहाड़ी होती है, जिनका आधार दीर्घवृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल, एक उल्टी नाव के समान इनकी आकृति होती है। या आईएएस का क्वेश्चन, उल्टी नौका के समान ड्रमलिन, उल्टी नौका के समान ड्रमलिन, ये यूपीएससी ने प्री में पूछा। आगे खत्म, केसर वाला आंसर नहीं दिया आप, करेवा, हाँ जी करेवा में उत्तर। कितने मिनट का हो गया?